प्रश्न है वीनू का. आई हैव रेड दैट डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स, बी इट डिजायर्स टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन और एनीथिंग एल्स, सो शैल वी नॉट हैव दैट डिजायर टू. क्या तर्क दिया है, वकील लगती हैं या वकील की, अच्छा चलो डॉक्टर हैं ऐसे तो. ये सत्य है कि हर इच्छा हमको बांधती है, हर इच्छा हमारे पांव में जंजीरें ले आती है, पर ये उतना ही बड़ा सत्य है, दो तरह की इच्छा है. एक इच्छा वो है जो तुम्हें बांधेगी, एक इच्छा वो है जो तुम्हें खोलेगी. असार वस्तुओं की इच्छा करने पर बंधन है, पर आत्मज्ञान की इच्छा आपका बंधन नहीं, वो बंधन खोलती है. पांव में कांटा लग जाए यार, आप जंगल में हो तो कांटे को निकालेंगे कैसे, उसके लिए एक और कांटा चाहिए. कांटे से कांटे को, यू टेक आउट द थॉर्न विद अनदर थॉर्न. द फर्स्ट थॉर्न गिव्स यू पेन, द अदर थॉर्न मे ऑल्सो गिव यू पेन, बट देन इट विल रिलीव योर पेन. कांटा गड़ा दर्द है, दूसरे कांटे से कांटा निकाला तो दर्द चला जाएगा. ऐसे ही संसार की इच्छाएं हमें बांधती हैं, गुलाम करती हैं. और भगवत इच्छा हमें संसार के तमाम बंधनों से मुक्त कर देती है. मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार दरभंगा के राजा ने स्वामी विशुद्धानंद जी, जो काशी में रहते थे, उनके पास वो गया. सर्दियों के दिन थे और रात को 8-9 बज गए जब वो पहुंचा. और ये जो स्वामी जी थे, ये बहुत ठाट बाट से रहते थे. बड़ा बंगला उनका, रहना सहना, चांदी का बर्तन, चांदी का सिंहासन. तो उनके ये ठाट बाट देख करके ना तो राजा के मन में संशय आ गया. तो वो स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, एक सन्यासी का लक्षण क्या होता है, उसकी परिभाषा मुझे बताइए. He hit below the belt. He thought so. स्वामी जी ने आवाज मारी, कोई है? दो चार शिष्य भागे आए, कहते इस राजा का कान से पकड़ो और इसको आश्रम से बाहर कर दो. अभी कोई भी सो कॉल्ड सम्मानित व्यक्ति, राजा, नेता, एमएलए, एमपी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई उसको कान से पकड़ के बाहर कर दे. तो चेलों ने तो गुरु आज्ञा मानी, उन्होंने राजा का कान पकड़ा और कहा चलिए राजन बाहर, और मेन गेट से आउट कर दिया. इतना घोर अपमान, पर राजा बुद्धिमान था, समझ गया कि कुछ दृष्टता भूल तो जबरदस्त हो गई मुझसे. वहीं खड़ा रहा रात भर. काशी और गंगा की जो हवाएं हैं ना, बड़ी ठंडी होती हैं, पर वो ठिठुर तरह वो घर नहीं गया वापस, क्रोधित भी नहीं हुआ. सुबह जब आश्रम का द्वार खोला तो देखा राजन वहीं है. उन्होंने स्वामी जी को खबर करी. स्वामी जी कहते ले आओ अवन, अब ले आओ अंदर उसको. ले आए. वो कहते राजन, जो तेरे जैसे शक्तिशाली राजा का कान पकड़ के उसको आश्रम से बाहर कर सकता है, वही सन्यासी होता है. भय नहीं है उसको तेरे से, लालच नहीं है कि तू धन नहीं देगा, जमीन जायदाद नहीं हमको देगा, हमको तुझसे कुछ चाहिए नहीं है. और दूसरी बात कह दूं, तू मुझे सन्यासी मात्र देखता है, ये भी तेरी भूल है. हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ब्रह्म है, कहां हमको तुम सन्यासी देख रहे हो. ख्याल रहे कि एक महात्मा, स्वामी विशुद्धानंद जैसा महात्मा, एक आत्मज्ञ, एक ब्रह्मज्ञ, एक शास्त्री महात्मा, इतने ठाट बाट से रह रहे. कई बार तो इसी ठाट बाट को देख के कईयों को लगता है कि ये क्या एमबीए इंजीनियरिंग करनी, बाबा जी बन जाओ, सेफ चीप
way to become rich. करना कुछ नहीं बैठे रहो तुम हमारे यहाँ भारत में सब तरह के महात्मा संत है ऐसे है जो सिर्फ कपड़े के है कोई ऐसे है जो साधना से है कोई ऐसे है जो भक्ति में है कोई ऐसे है जो तपस्वी भी हैं कोई ऐसे हैं जो ऐसे अद्भुत है कि उनका दर्शन करना तो मतलब जैसे साक्षात किसी ब्रह्मस्वरूपी ईश्वर का दर्शन कर लिया पर वहां ये भी बात सत्य है कि सिर्फ नाम शोहरत पैसा धन मंदिर बना हो तो देखो भक्तों की कतार लग जाएगी कृष्ण मंदिर कृष्ण भक्त देवी मंदिर देवी भक्त शिव मंदिर शिव भक्त भक्त आएंगे पैसा चढ़ाएंगे आप बैठे हो उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन देते हो तो आपका कपड़ा भगवा है तिलक लगाते हो माला पहनते हो सब आपको गुरु जी बोलने लग जाएंगे तुम गुरु जी ऑटोमेटिकली बन गए चाहे तुम्हारी औकात चेला बनने की भी नहीं थी इतने निकम्मे थे तुम पर गुरुजी कहलवाना हिंदुस्तान में कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ तो पंचर लगाने वाले को भी कहते हैं गुरु पंचर लगा दे चाय पिलाने वाले को कह देते हैं गुरु चाय पिला दे संसार की इच्छाओं से जो बंधा है वो संसारी है जो संसार की इच्छाओं में बंधा नहीं है अब वो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो जाकर के हिमालय की चोटी पे रहने लग जाए तभी तुम उसको महात्मा मानोगे और हिमालय की चोटी पर आजकल सरकार रहने भी नहीं देती है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं भाग यहाँ से हमारे कई संत मेरे मित्र हैं वो ऋषिकेश नर्मदा के तट पर उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे कुटिया दो कमरा एक कमरा चार कमरा बनाए रहते तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इरिगेशन कैनाल डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते जब तक हो रहो आप इसका विस्तार नहीं कर सकते हो एक कागज बना के दे देते उनकी मर्जी बगैर तो तुम जंगल में भी नहीं बैठ सकते तो आपको ये कहे कि जो सिर्फ हिमालय में रहता है वही महात्मा होता है और जो अहमदाबाद के इस यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में बैठ के बोले वो महात्मा नहीं होता है यू कैन से दैट अरे डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र जो चाहे बोलिए फ्रीडम टू स्पीच सबके पास है जरूर इस्तेमाल करिए पर एक बात याद रखिए गीता जैसी उपनिषद का वक्ता श्री कृष्ण एक सन्यासी नहीं है गीता का श्रवण करने वाला श्रोता अर्जुन एक सन्यासी नहीं है दोनों या तो राजा हैं या तो राजकुमार हैं और बहुत से विवाह है बच्चे हैं महलों में रहते हैं ठाट बाट से रहते हैं लेकिन गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण और श्रवण करने वाला अर्जुन हम दोनों को महात्मा कहते कृष्ण कई बार अर्जुन को ए महात्मा ठीक से समझ बोलते हैं हे निद्रा को जीतने वाले गुडाकेश सुन इसका मतलब ग्रस्त होकर के भी अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय पाई थी हे जितेंद्रिय मेरे वचन को सुन इसका मतलब ग्रस्त में रहते हुए भी अर्जुन ने अपनी इंद्रियों का नियंत्रण योग अभ्यास से कर रखा था और मूर्ख नहीं था गुरुकुल में कृपाचार्य से उन्होंने तमाम वेदों का अध्ययन भी किया है शास्त्रों का अध्ययन भी किया है कोई उसमें कमी नहीं है वो अशिक्षित नहीं है वो लेकिन फिर भी मोह से आच्छादित हुआ मन अज्ञान से भरा हुआ मन कर्तव्य कर्म से विचलित हो गया तो श्री कृष्ण को समझाना पड़ा धन संपदा शक्ति की चाह होगी तो ये बंधन कारक हो जाएगी पर मैं कौन हूं ये जानूं ब्रह्म क्या है सो पहचानूं परमात्मा क्या है सो जानूं यह इच्छा आपको इन दूसरी बांधने वाली इच्छाओं से मुक्त कर देती है इसलिए ये फर्क है